विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। व्हाई वुड इंडिया एलायंस अप्रोच मी? आज सीट जीत कर इतना घमंड? हाँ, आज बातचीत नहीं, सिर्फ बधाई देने का दिन था मुख्यमंत्री जी को। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं, मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीत कर आए, ऐसे में क्या कहेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई मीन वी आर हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट माई प्राइम मिनिस्टर इज बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ही विल बी लीडिंग द इंडिया अलायंस फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो, सो दैट इज समथिंग दैट एक्साइट्स अस मोर। विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े। ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। वेल डेफिनेटली इज इट चिराग फैक्टर और मोदी फैक्टर और बोथ ऑफ देम? नहीं, डेफिनेटली आई मीन मोदी फैक्टर इज देयर, नोबडी कैन डिनाई दैट फैक्टर, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक द क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी पार्टी वर्कर ऑफ माई पार्टी हु स्टूड बाय द पार्टी थ्रू थिक एंड थिन। We have seen lots of ups and downs in the party, but despite that, the way the party worker, every leader of my party, they stood by the party. I think that this credit goes to them. 5 out of 5. अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों के लिए ये उत्साह की बात है भाई, और खास तौर पे मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मैं बात करूंगा। हम लोगों के लिए ये उत्साह की बात है, एक नए नाम के साथ, नए सिंबल के साथ। आप सब ने भी गाहे बगाहे अनुभव किया होगा, मेरे तमाम सांसदों ने, मैंने खुद चुनाव लड़ा हाजीपुर से, मैंने चुनाव लड़ा। हाजीपुर एक ऐसा क्षेत्र जहां से जब से पार्टी बनी है, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पुराने छाप पर, बंगला छाप पर चुनाव वो लड़ते रहे हैं। ऐसे में कम समय में हेलीकॉप्टर छाप को घर घर तक पहुंचाना, लोगों का वो विश्वास उस छाप पर, पार्टी के नए नाम पर, मुझे लगता है ये लोगों का बहुत बड़ा प्यार और स्नेह
हम पांचों सांसदों को मिला है, जिसके लिए मैं बिहार की जनता का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पूरी एब्सोल्युटली एकजुट है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, व्हाई वुड इंडिया अलायंस अप्रोच मी। फाइव सीट्स एंड गिवन द मैंडेट दैट हैज कम इन, एवरी पार्टी होल्ड्स द की राइट नाउ। Nobody holds the key has been handed over to my Prime Minister and he's the one who's leading this alliance, he's the one who has led this alliance throughout the campaigning and he's the one who's leading this alliance, so the key is in his hand and we are forming the government, there's no doubt. Last 5 years have been really good. Modi factor khatam ho chuka hai aur ye jo parinam aaye hain ye batate hain ki janta India gadbandhan se chalo jaa rahi hai. 4 seat jeet kar itna ghamand, ha kis baat ka bataiye na, kya bol rahe the? वो बयान का जवाब दे दे मेरे छोटे भाई, चिराग पासवान को मुबारकबाद दिए थे ना, किस बात की? हाजीपुर से चुनाव हारने की मुबारकबाद दिए थे, क्या बोले थे कि हाजीपुर में जो उनके पास जानकारी आ रही है, जिनको अपनी पार्टी के लोग सही जानकारी ही नहीं देते हैं, क्या क्या जानकारी दिए थे कि पूरा मिसमैनेज चुनाव है, कुछ नहीं हो रहा, खाता नहीं खोल पाएंगे, हाजीपुर से चुनाव हार रहे हैं, पहले तो हम उनको इस बात की मुबारकबाद देते हैं। भाई हकीकत है, नादान है, जानकारी की समझ नहीं रखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और ऐसे में सिर्फ बड़े बयान देने से देश की या प्रदेश की राजनीति को वो सिद्ध नहीं कर सकते जब तक जमीनी हकीकत उनको पता नहीं।